तो जेठाला ये मीटर इतना तेज क्यों भाग रहा है? अरे यार तुमको आज मीटर को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार? अरे मुझे मीटर को लेकर प्रॉब्लम जरा हाड़ू ना हो, मुझे मीटर को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम है ईमानदारी से। कोई अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं है। तो जेठाला तुम तो दुकान में रोज रिक्शा से आते जाते हो, रोज तो तुम्हारा तो ध्यान होता होगा ना मीटर पे, मीटर इतना तेज भागता है क्या? कभी इतना मीटर पे ध्यान देता नहीं हूँ, जो होता है दे देता हूँ ईमानदारी से। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने देश का विकास नहीं हो रहा है। अरे याला का अर्थ है? अरे याला अर्थ है जेठाला, तुम्हारी ये सोच में ही प्रॉब्लम है। मैं जो होता है दे देता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता। अरे क्यों ध्यान नहीं देते भाई, ध्यान दो ना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये तो गलत काम करने वालों को तो मैदान खुला मिल जाएगा गलत काम करने के लिए, और फिर गलत काम उठता ही नहीं है और देश का विकास होता ही नहीं है। मैंने तेरी बात में दम है दोस्त, कल से मैं ध्यान रखूंगा। और दूसरा क्या है कि मीटर तो छोटा सा उदाहरण है, हमें हर छोटी चीज को लेकर चौकन्ना रहना होगा। जैसे 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 हम लोग अभी भाई बस करो ना तुम और दे, आज के आज ही देश को सुधारो के क्या भाई, इनकी सोच में भी गड़बड़ते है। आ बोले सर, आप प्लीज दाद आप प्लीज वोट। पप्पू कितने कितने पप्पू? क्या हुआ पोपटलाल, गड्डी कितनी है पप्पू? यहाँ पे क्यों रोकी? क्योंकि मैंने गड्डी यही छोड़ी थी। तो कहाँ गड्डी? वही तो मैं भी पूछ रही थी। अरे पोपटलाल चोरी का गाड़ी किधर है? एक मिनट यार भाई बता तो सही, मैंने गड्डी यही छोड़ी थी। चोरी कहाँ है? ओए मैं तो इतने हूँ पर मेरी गड्डी कितनी है? मैंने यही छोड़ी थी। पोपटलाल अगर तुमने गाड़ी यहीं छोड़ी थी तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो आती भाई, अब में से किसी को दिखाई नहीं दे रही है। मतलब किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गड्डी को यहीं छोड़ा था तो गई कहाँ? एक सेकंड पप्पू, कहीं तूने मेरी गड्डी न्यूट्रल में तो नहीं छोड़ दी थी? अरे नहीं नहीं, नहीं गियर में थी गड्डी, गियर में थी और वो भी फर्स्ट गियर में। तो फिर कहाँ गई मेरी गड्डी? कहीं सोड़ी का गाड़ी टो वाला तो नहीं लेकर गया? अरे ऑटो वाले क्यों लेके जाएंगे गड्डी? अरे जेठालाल ऑटो नहीं टो, टो TOW टो TOWING टोइंग, टोइंग वाला तो नहीं लेकर गया? अरे अय्यर भाई यहाँ आपको दिख रहा है कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है ना, और वो टोइंग वाले लेकर जाते हैं तो इधर वो रास्ते पे चौक से लिख के जाते हैं ना कि हम फला फला थाने में लेकर जा रहे, ऐसा कुछ लिखा है इधर? अरे तो फिर सोड़ी का गाड़ी किधर गया? अरे मुझे क्या पूछ रहे, पोपटलाल से पूछो। अरे पप्पू ओए तेनु रब दा वास्ते ही दस मेरी गड्डी किथे है? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, देख मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ था ना। ओ यार वो दिख रहा है वो पेड़? हाँ। वहाँ पे पहली बार गाड़ी ऐसे रुक गई थी। हाँ। वहाँ से धक्का मारते 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 हम लोग ऐसे लेके आए, यहाँ बीच में ना अनोखी जी का वो दुपट्टा फटा था। हाँ। उसके बाद वो वापिस हमने धक्का मारा और धक्का मारते 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 फाइनली यहाँ गाड़ी रुक गई थी। एक मिनट साइड में रहो ना यार, आप कितना खुश रहे, यहाँ गाड़ी रुक गई थी। ओए तेरी सब गल मैं मन्ना, लेकिन हुण मेरी गड्डी इत्थे नहीं है तो फिर किथे मेरी गड्डी? मेरे को तो लगता है थोड़ी का गाड़ी कोई उठा के ले गया। उठा के? अरे जेठालाल उठा के ले गया मतलब चोरी करके ले गया। अरे अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप, चोर की मत मारी गई है, कैसी खटारा गाड़ी की चोरी करेगा? गलती से मुंह से निकल गया, खटारा नहीं फटाका, फटाका गाड़ी। तोड़ मेरी फटाका गड्डी है कितने? मिल जाएगी सॉरी, यहीं कहीं होगी। हाँ बुलाओ बुलाओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढते हैं मतलब। आत्माराम ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं,
क्यों? अरे भाई पहले कंफर्म करते हैं कि गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे? आत्माराम ने बोला ना हम लोग ढूंढते हैं। नहीं नहीं जीतालाल भैया सही बोल रहा है, ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अरे वहाँ पुलिस स्टेशन में चालू पांडे जी होंगे, मान ले हमने वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाई कि भाई ये छोटी की गड्डी चोरी हो गई, उसके बाद वो गाड़ी समझो हमें ही मिली, तो फिर पता है ना चालू जी पांडे जी हमारे साथ क्या करेंगे? हम सबको अंदर डाल देंगे। ना तो फिर इसीलिए पहले हम लोग गाड़ी को ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलती है गाड़ी तो फिर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाते है। भाई इतने बड़े जंगल में हम गाड़ी को कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है, और जेठालाल वो खिलौने वाली गाड़ी तो है नहीं कि कोई छुपा देगा, रियल में बड़ी गड्डी है, अगर आसपास होती तो दिख जाती ना। हाँ। नहीं पक्का गाड़ी चोरी ही हुई है, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। जी चलो जी चलो, एक मिनट में। अब क्या हुआ? गोकुल धाम में सब लोग टेंशन में होंगे, हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने। बोल दो बोल दो। पता नहीं क्या हुआ होगा, गाड़ी मिली भी होगी या नहीं। मैं तारक को फोन करती हूँ। हाँ। लो तारक का ही फोन आ गया। हाँ तारक गाड़ी मिली? नहीं अंजलि गाड़ी तो यहाँ है नहीं, लगता है चोरी हो गई। क्या क्या हुआ अंजलि भाभी, गाड़ी चोरी हो गई? तो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन लिखवाने, हमें आने में देरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलो, 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 चलो। हे भगवान अब गाड़ी चोरी कैसे हो गई, और अगर गाड़ी नहीं मिली तो सोड़ी भाई पोपटलाल भाई को नहीं छोड़ेंगे, पूरी रात इनका झगड़ा चलता ही रहेगा। हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी मिल जाएगी, ये लोग अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। पाटिल तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ सर। क्या सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हैं। वैसे क्या सोच रहे? सर मैं सोच रहा हूँ मेरी बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं, आप भी यही सोच रहे ना? ए पाटिल क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारी बीवी को घूमने ले जाऊंगा ऐसा क्यों सोचूंगा? नहीं 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 सर, सर मेरा मतलब है आप बासुंदी भाभी को लेकर कहीं घूमने जाएंगे ये सोच रहे ना? नो, मैं ऑन ड्यूटी घर के बारे में नहीं सोचता, आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय ड्यूटी एंड यू नो इट। हां सर पर काम है ही कहां, तीन दिन से एक केस नहीं आया। ओ पाटिल इतना अफसोस करने की बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए, जिस इलाके में हम हैं वहाँ एक भी क्राइम नहीं हो रहा है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नो पाटिल, नो, माय मिस्टेक, आई विल करेक्ट, ओके? सर डर इस बात का है कहीं आपके प्रमोशन के साथ हमारा ट्रांसफर न कर दे। अरे इसमें खुशी की बात है ना, जहां जहां हमारा ट्रांसफर होगा हम वो इलाका क्राइम फ्री कर, अगर डिपार्टमेंट हमारा देश भर में ट्रांसफर करना चाहे ना तो पूरे देश को हम क्राइम फ्री कर देंगे। लेकिन सर हमारा ट्रांसफर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी पाटिल? वो क्या है ना सर, मैंने मेरे बेटे की पूरे साल की फीस भर दी है सर। तुम्हें सिर्फ अपने बेटों के बारे में नहीं सोचना है, देश के हर बेटों के बारे में सोचना है। सोचो इस देश में क्राइम नहीं होगा तो देश का हर बच्चा फ्रीडम के साथ घूमेगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ऐ वतन भारत दुनिया भर में क्राइम फ्री देश कहलाएगा। सर फिर तो हम काम से फ्री हो जाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ सर। तो कोई बात नहीं, वी विल एंजॉय द कंट्री। तुम अपने बीवी को घुमाने ले जाना चाहते थे ना? जी सर। तो कल से तुम्हारी छुट्टी। अरे कल से कल तक की छुट्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनो मैं भी सोच रहा हूँ बासुंदी को कहीं घुमाने ले जाऊं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और ट्रैफिक है मुंबई में ना? चलो मैं सोचता हूँ,
जाओ अपने बीवी को फोन करके प्लान बनाओ, मैं बासंती को फोन कर लेता हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ सुनो। यस सर। थैंक यू। गेट रेडी। अरे बासुंदी, मेरा मतलब है घूमने के लिए गेट रेडी हो जाओ ना। तुम्हें सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बना लिया? अरे बासुंदी, तुम्हारी सहेलियां तो जिंदगी भर फ्री रहती हैं, उनके साथ कभी भी घूम सकती हो। आज मैं ड्यूटी से फ्री हुआ हूँ, मेरे साथ घूमो। नहीं नहीं, कोई केस नहीं है, आज मैं एकदम मेंटली फ्री हूँ। एंजॉय करेंगे लाइफ, फिल्म देखेंगे, खाएंगे, हाँ और क्या। ओहो बासुंदी, फोन पर टाइम वेस्ट मत करो, गेट रेडी, आई एम कमिंग। ओके, हो गया? हाँ सर, मेरा भी हो गया। तो मैं जाऊँ सर? नहीं नहीं नहीं, अभी ड्यूटी खत्म होने में कुछ समय बाकी है, ड्यूटी छोड़कर हम नहीं जाएंगे। भगवान कभी कभी ऐसी शांति दे। यस सर। We should enjoy the life. Yes sir. Yes. पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, चलो जी, पांडे जी, पांडे जी, स्टॉप स्टॉप। ए जेठालाल, स्टॉपिट बोला है, स्टैचू नहीं, सीधे खड़े हो जाओ। सॉरी पाटिल, हमें क्यों भूल गए कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के एरिया में आते हैं? नहीं सर, हमारे एरिया में गोकुलधाम सोसाइटी आती है। हाँ वही, और हमारा गोकुलधाम सोसाइटी वालों से पुराना रिश्ता है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, वो लोग हमें चैन से रहने नहीं देंगे, इसीलिए बाहर घूमना फिरना आज का कैंसिल। लेकिन सर घर पे बोल दिया है। बोल दिया? हाँ सर। तो जाना पड़ेगा। यस सर। ओके। Sorry guys, you are late. हम घर जा रहे हैं। किसके? अरे अपन है घर, और किसके घर? अरे पर इधर काम आया है ना? हाँ, पांडे जी आप अपने काम से ऐसे भाग नहीं सकते। ए पत्रकार पोपटलाल, चालू पांडे अपने काम से कभी नहीं भागता, बल्कि क्रिमिनल उसके नाम से भागते हैं, समझा? हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोगों का जो भी केस है वो कदम साफ देखे। अरे यहां वहां कहां देख रहे हो, कदम साहब यहाँ हैं। उनके टेबल पर जाओ। ओ नहीं नहीं पांडे जी, वो हमारा केस तो आप ही देखिए। हाँ क्यों? अरे आप हमारे फैमिली पुलिस वाले हैं ना? मतलब? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे। हाँ, और जैसे फैमिली रेस्टोरेंट होती है। हमारे जमाने में नहीं, वो फैमिली बाल काटने वाले होते थे। अच्छा आप नहीं होते हैं? अभी बाल नहीं है ना। सॉरी 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 जेठालाल, आता माझे केस सोडू आणि सोडीचा केसवर फोकस करूया। हाँ पांडे जी प्लीज हमारा केस सुनिए ना। हाँ सुनाओ। सर घर पर भाभी जी और मेरी बीवी तैयार हो रहे हैं। जाओ, ये गोकुलधाम वाले हैं, का कोई केस नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है इनका रुमाल भी चोरी हो जाए ना, ये लोग कंप्लेंट करने आ जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उसी की जेब से रुमाल निकलता है जिसने कंप्लेंट की है। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और हारने वाला मैं ही होता हूं। दो मिनट तक पता चल जाएगा कि कोई केस नहीं है, ये लोग अपने घर चले जाएंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बोलो जल्दी कुछ कीजिए, मेरा शेर चोरी हो गया। शेर चोरी हो गया? छोड़ी, सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि इस देश में शेर को पालना एक गुनाह है।
जैसे लोगों की वजह से इस देश में शेर की तादाद कम होती जा रही है और तुम शेर को घर में पाल रहे हो। सरकार को चीख चीख के कहना पड़ रहा है शेर बचाओ सेव टाइगर सेव लायन, और शेर चोरी नहीं हुआ, तुमने शेर को चुराया। भारतीय जंगल से एक भारतीय मासूम शेर की चोरी की है। पाडल, शेर की तस्करी में इस शख्स को लॉकअप में डालो। चालो जा पांडे जी। ए? पका रहे? आप गलत समझ रहे हैं। उसमें हंसने का नहीं मतलब। मैंने क्या गलत समझा? ये जो शेर की बात कर रहे वो जंगल वाला शेर नहीं है। ओके गॉट इट माय मिस्टेक। कौन सी कंपनी का शेर था? हंसता क्यों है? और तू बार बार हंसता क्यों है? हम गलत समझ रहे हैं। मैं फिर से गलत समझ रहा हूँ? हाँ। अरे क्या? देखो दो ही टाइप के शेर होते हैं, एक जंगल में होता है, एक कंपनी का शेर होता है, एक तीसरा वाला भी होता है ना, शायरी के बाद वाह वाह क्या शेर है। नहीं आता तो तुम्हारे वाह वाह वाले शेर की चोरी हो गई उसकी कंप्लेंट करने आए हो? ओ नहीं नहीं पांडे जी। तो फिर कौन सा शेर चोरी हुआ है जिसका कंप्लेंट लिखाने यहाँ आए हो? पांडे जी मेरी गलती पूरी सुन लो भाई, मेरा शेर मतलब मेरी गड्डी चोरी हुई है। तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है। मैं क्या तुम्हारी सोसाइटी में रहता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है? अगर मैं बोलूंगा कि मेरी बासुंदी बिगड़ गई तो तुम लोग यही समझोगे ना कि दूध की बासुंदी जिसमें बादाम किशमिश पड़ा होता है उसका टेस्ट ही बिगड़ गया। बोलो यही समझोगे कि नहीं? हाँ नहीं नहीं पांडे जी, हम समझ जाएंगे कि आप आपकी पत्नी बासुंदी भाभी की बात कर रहे हैं। ए मास्टर, तुमको कैसे मालूम कि हमारी पत्नी का नाम बासुंदी है? अरे कमाल है पांडे जी, आप कितनी बार हम लोग के सामने आपकी पत्नी से बात कर चुके हैं, बासुंदी का फोन है। इसीलिए तुम्हें पता है? आज तक तुमने बताया कि तुम्हारे स्कूटर का नाम शेर है? मेरे स्कूटर का नाम तो सखाराम है। ये क्यों बोला कि हमारा शेर चोरी हुआ है? अरे क्योंकि पांडे जी सच में शेर चोरी हुआ है। पहले तो कह रहे थे कि स्कूटर का नाम सकाराम है। हाँ पांडे जी, लेकिन चोरी तो गाड़ी हुई है। तुम्हारे पास तो गाड़ी थी नहीं मास्टर जी, तो चोरी कैसे हुई? अरे पांडे जी, गड्डी मेरी चोरी हुई है जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ। तो ये सकाराम बीच में क्यों बोल रहा है? अरे मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े हूँ, मेरे स्कूटर का नाम सखाराम है। आपने मुझे बोला ना कि स्कूटर का नाम शेर है, तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया कि उसका नाम शेर नहीं सखाराम है। हाँ तो उसका क्या है, चोरी तो गाड़ी हुई है ना और उसका नाम शेर है ना। हाँ इसमें बीड़ू के सकाराम का कोई लेना देना नहीं है, वो गड्डी मेरी चोरी हुई है जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ। एक गाड़ी चोरी हुई है तो तुम सब क्यों कंप्लेंट लिखवाने आए? क्योंकि पांडे जी हम सब गाड़ी को ढूंढने गए थे, वहां गाड़ी मिली नहीं तो हम सब वहां से आ गए। दोस्तों आप तो गोकुलधाम वासी और पुलिस का रिश्ता जानते ही हैं। चोरी की लकी गाड़ी का केस पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। एक तरफ पांडे जी ने अपनी पत्नी से कह दिया है कि वो घर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोकुलधाम वासी गड्डी का केस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एक तरफ गोकुलधाम वासी टेंशन में है तो दूसरी तरफ पांडे जी कंफ्यूजन में है। क्या लगता है आपको, जब पांडे जी इस केस में इन्वॉल्व होंगे तो क्या ये केस कोई नया मोड़ लेगा, या पांडे जी चोर को पकड़ पाएंगे? ये चोर है कौन, और अगर गड्डी नहीं मिली तो सोडी का क्या हाल होगा? ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में आपको ठाके ही ठाके मिलेंगे। यहाँ पे जो भी होगा ना, आपके घर पर हंसी के पटाखे ही फूटेंगे। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.